होगा नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, अगर आपका एग्जाम आने वाले फर्स्ट टाइम जो जैन 25 में अटेम्प्ट होने वाला है उसमें है, देन यस यू नो द डेट्स, 100 डेज टू गो। सो कैसे ये दोनों ग्रुप्स को आपको मैनेज करना है इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। आई जस्ट नीड यू अ फ्यू मिनट्स एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। प्लस सीए इंटर के लिए मैं लाने वाला हूं बहुत सारे नई नई चीजें, बहुत सारे सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स। सो स्टे सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन एंड डू लाइक द वीडियो सो दैट आपको ऐसे और इंटर से रिलेटेड कनेक्टेड वीडियोस मिलते जाए विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विद योर कलीग्स और जूनियर्स एंड दे कैन यूज द बेनिफिट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी एज सच। सो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये रहा वो स्ट्रैटेजी, 100 डेज स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। सबसे पहले आपको इंश्योर करना चाहिए कि बॉस मेरा लेक्चर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं, बिकॉज अगर लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुआ है देन इन दैट केस आप अभी भी कंफ्यूज्ड है आपको दोनों ग्रुप देना है कि नहीं देना है। बिकॉज अगर दोनों ग्रुप देना है तो गाइज आपको ये जो अभी 90-100 डेज है गाइज उसमें रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। द पोर्शन इज वेरी वास्ट एज यू ऑल नो, स्पेशली अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है, दीज चैप्टर्स आर, दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी वास्ट। तो इसके लिए आपको काफी एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा इनके लिए। सो आई एम अज्यूमिंग कि अब तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। इन केस बाकी कुछ है देन प्लीज एंश्योर कि विद इन अ वीक आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर नहीं हो पाया तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज बोथ द ग्रुप्स फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज आपको उस हिसाब से देखो ना बैक वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज भी नहीं करोगे तो चीजें याद नहीं रहेगी और एक से ज्यादा दो रिवीजन आपको देने पड़ते हैं बिकॉज द पोर्शन इज वेरी वास्ट। सो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं, यू हैव अ लॉट ऑफ डेज, 33 डेज पर सब्जेक्ट टू बी प्रिसाइज। उसमें से अगर 9-9 डेज पर सब्जेक्ट भी मैं निकाल देता हूं एज एज अ बफर तो फिर भी मेरे पास 24 डेज है। सो 10 डेज फॉर फर्स्ट रिविजन, 8 डेज फॉर द सेकेंड रिविजन, 6 डेज फॉर द थर्ड रिविजन एंड ये जो मैंने एक्स्ट्रा टाइम रखा है यहां पे आपको देना है टेस्ट सो दैट यू कैन चेक वेदर यू आर डूइंग प्रॉपरली और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक मेन एग्जाम के पहले एटलीस्ट अपना दो तीन बोलते हैं ना एक मॉक टेस्ट दे दीजिए या फिर अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज आपको कैसे रियलाइज होगा वेदर योर स्पीड इज करेक्ट और नॉट, वेदर यू आर गेटिंग पैनिक्ड और नॉट। अगर कोई अननोन क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये सब चीजें मैनेज करने के लिए आपको टेस्ट देना ही है। इन केस आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन ऑल्सो विजिट माय वेबसाइट webuk.in एंड वहां पे आपको काफी सारा डिटेल्ड वाला टेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सीए में, अगर आप लोग सीए इंटर में जाएंगे देन यू विल गेट ऑल ऑफ दिस। आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, जो चाहिए, ये सब चीजें आपको खाली टिक करनी है, सिलेक्ट करना है एंड यू विल गेट इट। चलो आओ अब कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। सो लेक्चर कंप्लीशन स्टेटस बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। नाउ द रिविजन स्टार्ट्स। सो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज है एक सब्जेक्ट के लिए इन ऑल। सो 7+4+3 या फिर 8 डेज प्लस 6 डेज का आपको शेड्यूल लेना है एंड यू हैव टू कंप्लीट द पोर्शन, ठीक है गाइस। सो आई नो थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा फाइट है, बट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास इफ यू वांट टू गिव बोथ द ग्रुप्स, राइट। ओवरऑल प्लान एंड स्ट्रेटेजी, सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि यू शुड देन लिस्ट डाउन। अभी आपको यहाँ पे अपने आप के सी, अभी मैंने तो आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि इट इज 33 डेज पर सब्जेक्ट माइनस 924 डेज। अब जरूरी नहीं है ना कि आप सबको एक ही इक्वल वेटेज देंगे, हो सकता है ये जो आपके पास टोटल 24 मल्टीप्लाई बाय 372 इफेक्टिव डेज है उसमें से आप हो सकता है 50 डेज दे दे, 50 तो ज्यादा हो गया, 30 डेज दे दे आप लोग टोटल एडवांस अकाउंट्स को, 30 डेज दे दे आप टैक्सेशन को एंड जस्ट 12 डेज रखे लॉ के लिए बिकॉज लॉ इज रिलेटिवली लेसर। हो सकता है किसी का प्रैक्टिकल अच्छा हो थ्योरी कम, देन इन दैट केस ही मे डू इट वाइस वर्सा। सो इन सच सिचुएशंस ये अब आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा लिस्ट कि भाई आप कितने सब्जेक्ट्स दे रहे हैं एंड व्हाट इज द टाइम दैट यू आर प्लानिंग टू गिव। अगेन आई एम टेलिंग यू मैंने वो नंबर ऑफ डेज स्पेसिफिकली नहीं लिखा है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना। मेरा कॉस्टिंग और अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग था, मेरा लॉ और ऑडिट उतना ही वीक था, सो आई हैड टू गिव अ लॉट मोर टाइम टू दोज थियरी चैप्टर्स एज कंपेयर टू अदर। सो ये आपको खुद का बनाना पड़ेगा। इन केस आपका सेकेंड ग्रुप में कॉस्टिंग और एफएम बचा है तो आई एम कमिंग अप विद न्यू बैचेस रिलेटिंग टू बोथ ऑफ देम एंड कंप्लीशन टाइम होगा अपना 100 आवर्स। सो 100 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो इन केस आपको वैसा कुछ प्लान करना है
So you can join that. It will be very, very helpful to you. Right? So ये भी आपके हिसाब से आप कर सकते हैं. ओके, सो ये एक आइडिया आ गया आपको कि भाई कैसे अपने को अप्रोच रखना है, कितना डेज रखना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए. ओवरऑल इतना आपको सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप के लिए रख सकते हो आप. सो आप देखो यहां पे जैसे आप देख रहे हो 14 days. सो 14 days इज फॉर 6 subjects. अब मैं नहीं बोला जरूरी आपको 14 days सबके लिए देना ही है. यू कैन डिवाइड योर होल वर्किंग जैसा आपको कंफर्ट लगता है. यस, देन अब कहां से पढ़ना है देख लो. एक चीज याद रखना, रादर देन स्टडिंग द सेम कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, स्टिक टू वन बुक एंड स्टडी इट मल्टीपल टाइम्स. एक बुक को पकड़ के रखो और उसको बस बराबर से कर लो. मैंने ये गलती किया था जब मैं आपके जितना था पढ़ाई कर रहा था, मैंने टैक्स के लिए मल्टीपल ऑथर्स ले लिए थे. एग्जाम के दिन पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं रिफर क्या करूं, एंड इट वॉज अ डिजास्टर. सो प्लीज ध्यान रखना. सी एवरी ऑथर इज गुड, सब ट्राई करते हैं कि इंस्टीट्यूट का ही मटीरियल ले, एंड दैट्स वेरी गुड बिकॉज एंड ऑफ द डे इंटर लेवल पे इंस्टीट्यूट का मटीरियल एटलीस्ट आई कैन से दैट मेजोरिटी चांसेस है 60-70% उसी में से आएगा. सो सब लोग यही ट्राई करते हैं कि उसी में से हो. तो आप खाली एक बार जब जो भी ऑथर का बुक रेफर कर रहे हैं आप देख लीजिए कि भाई मॉड्यूल कवर किया है या नहीं, आरटीपी पास्ट पेपर्स एमटीपी कवर किया है या नहीं. जैसे अगर आप मेरा कॉस्टिंग लेते हो, एफएम लेते हो, ऑप्टिमाइज्ड आपको मिलता है. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यस दैट बुक कंसिस्ट एवरीथिंग. तो जैसे मैंने सारी चीजें ली हुई ऐसे मॉड्यूल आरटीपी पास्ट पेपर एमटीपी एवरीबडी टेक्स, कोई उसमें दो राय नहीं है. बट ये कंफर्म कर लेना है, इसको एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको रिवाइज कर लेना है. सर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या, वो तो नहीं पॉसिबल है, बट एटलीस्ट कॉस्टिंग एफएम के लिए मैं तुम लोगों को ये इतने क्वेश्चंस दे दूंगा 60-70 कि उतना करके जाओगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. दैट इज माय प्रॉमिस. सो आई विल शेयर दैट विद यू फॉर श्योर. नेक्स्ट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स. भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो भूल जाना क्लियर कर पाओगे एग्जामिनेशन, बिकॉज इतना सारा वास्ट पोर्शन है, इतने सारे सम्स है. तो आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रट्टा मारा है, रट्टा मारोगे तो कब तक कितना चलेगा. हाँ, एक आध जगह पे कभी कभी कॉन्सेप्ट में इश्यूज आते हैं. आजकल तो देखो आपके पास यूट्यूब है, हर एक चीज का हल है. सो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर होके ही आगे बढ़ना. ये एक मेरा ऑब्जर्वेंस, ये एक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूं. एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली हम लोग भी जब पढ़ते थे सब चीजें क्लियर नहीं होती थी. आप आज जब हमारे को देखते हो ना एज अ प्रोफेसर देखते हो तो आपको लगता है यार सर को तो जब स्टूडेंट होंगे सब चीज आती होगी. नहीं, इवन वी हैड आवर ओन फ्लॉज, वी ऑल्सो हैड इश्यूज, बट एटलीस्ट आज की तारीख में आपके पास यूट्यूब है. वी डिडंट हैव यूट्यूब एट ऑल. सो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा भाई कुछ चीजें जो नहीं समझ में आ रही है ऐसा एडजस्टमेंट करके लर्न कर लेते थे. आया तो वो अटेम्प्ट कर पाए तो ठीक, नहीं तो नहीं. बट अभी आप ये सब नहीं कर सकते बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. यू शुड मेक एन एफर्ट टू गेट एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअली क्लियर. आज की तारीख में आप प्रोफेसर के साथ आपके एग्जाम तक कनेक्टेड हो, डाउट्स पूछ सकते हो. सो यूज दैट टू योर बेनिफिट, राइट. सो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस रखना है, हैंड रिटन प्रैक्टिस रखना है, ठीक है. एग्जाम में ओरल एग्जाम नहीं है, या एग्जाम में ऐसा ही खाली बस ऑडिट करके नहीं आना है. एग्जाम में तो राइटिंग प्रैक्टिस लिखना है, स्पीड बढ़ेगा आपका, उससे क्लैरिटी आएगा, मिस्टेक्स पता चलेगा. That is the benefit. And make your, अभी handwritten practice कर रहे हो ना, तो फिर make your own summary notes simultaneously. भाई summary notes भी साथ में बनाते जाओ ना यार, ताकि फिर बाद में कोई भी तकलीफ ना हो अपने को. क्योंकि exam का 1.5 days बहुत crucial है, वो एकदम make or break होता है. वो exam के 1.5 days में अगर मतलब वो समेट नहीं पाए ना portion को, then in that case exam में confidence नहीं रहेगा. यही अगर खुद के summary notes बनाए हुए होंगे, extra efforts लेके खुद के. देखो मैं भी costing FM में मेरा magic book देता हूँ, वो भी पब्लिक यूज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट खुद के नोट्स तो खुद के नोट्स ही होते हैं ना दीदी. तो प्लीज मेक योर ओन समरी नोट्स. बाकी आपने कोई ऑथर का या किसी प्रोफेसर का समरी नोट साथ में रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है वो. बट खुद का एक लिखा हुआ सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. स्ट्रिक्टली से शो नो टू सोशल मीडिया. ये जितना कंटेंट इजिली अवेलेबल हो गया है ना, उतना ही बैकफायर भी करता है, बिकॉज उतना ही आपका टाइम वेस्ट भी होता है, उतना ही आपका एंग्जाइटी भी बढ़ता है, उतना ही आप डिप्रेशन में भी जाते हो. तो ये सब चीजों से दूर रहो. आपका काम है आने वाले 100 दिन पढ़ाई करना. अगर 100 दिन कंटिन्यूअसली बोलते ना अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते और फोकस नहीं कर सकते, देन प्रोबेबली यू डोंट डिजर्व दिस डिग्री. सोच लो, समझ लो.
प्लान योर नेक्स्ट डे इन डिटेल, ये मेरी आदत रही है हमेशा। जब मैं पढ़ाई करता हूं ना, तो रात को सोने के 15 मिनट पहले मेरा नेक्स्ट डे का एक एक सेकेंड का शेड्यूल क्लियर होता है कि बॉस आई हैव टू वेक अप एट 5:30, आई एम अर्ली राइजर। 6 to 9 मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, 10 to 1:30 क्या पढ़ने वाला हूँ, 3 to 7, 8 to 11 मेरा ये स्लॉट्स फिक्स था। एंड कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को बहुत आगे का सोचने का, एक एक दिन का ही प्लानिंग कर लो, बहुत हो गया, और उसको एग्जीक्यूट कर लो। जो बैकलॉग है वो नेक्स्ट डे पे ही इमीडिएटली खत्म कर दो। जी हाँ, बिकॉज अदरवाइज अब ऐसा हालत है कि ये बैकलॉग रहा तो ये बैकलॉग ही रह जाएगा, विच नोबडी वॉन्ट्स। सो प्लान योर डे नेक्स्ट डे इन डिटेल, रात को सोने के पहले। सुबह उठ के अगर प्लान करोगे ना, आज ये पढ़ लेता हूं, आज ये सोच लेता हूं, तो आधा एक घंटा उसी में चले जाएगा, एंड वो बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज उससे आपको मोमेंटम मिलने वाला है। तो अब अगर आपने उसमें टाइम वेस्ट किया तो पूरा दिन वैसा जाएगा, उसमें आपने स्टार्ट अच्छा कर लिया पूरा मोमेंटम मिल जाएगा। चॉइस इज योर्स। सो प्लान योर डे इन डिटेल एंड सिस्टमैटिकली पढ़ाई करो। टेस्ट सीरीज राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, मैंने तुम लोगों को बताया है, ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी बता दिया है, मेरा वेबसाइट है उसका नीचे मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट पे लिंक दे दूंगा, वो आप लोग जाइए चेक कीजिए webuk.in पे एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। नेक्स्ट जनरल पॉइंट्स, बी हैप्पी, ईट एंड स्लीप वेल, बाहर का खाना अवॉइड करो। नवरात्रि चालू है, थोड़ी देर नवरात्रि खेल कर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके शेड्यूल में डाल दो। मैंने आपको क्या बोला, ये प्लान योर नेक्स्ट डे इन शेड्यूल, इसी में लिख दो कि भाई ये मेरा एक घंटा में नहीं पढ़ पाएगा। से फॉर एग्जाम्पल 9 to 10 आई विल प्ले, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 9 to 10 कोई म्यूजिक सुन सकता है, कोई नीचे वॉक के ले जा सकता है, इट कुड बी योर चॉइस, बट पुट इट इन योर शेड्यूल सो दैट मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हुआ यू नो, चलो 10 बज गया, अब मेरा टाइम खत्म हो गया, अब मेरे को पढ़ाई स्टार्ट करना है, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो दैट इज वेयर मोमेंटम बनते जाएगा। डिसिप्लिन रखो, इस चीज को फॉलो करो आने वाले 90-100 डेज के लिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ। स्टिक टू योर शेड्यूल बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है कि भाई चलना बाद में देख लेगा, अभी बाद में देखने के लिए बाद है किधर, बचा ही नहीं है। पलक झपकते ही आपका एग्जाम्स आ जाएगा, विल नॉट इवन कम टू नो, बता रहा हूं मैं, डरा नहीं रहा हूं, जो है हकीकत बता रहा हूं एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड कीप ऑन रिलैक्सिंग, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा प्ले करो, कीप ऑन टॉकिंग विद योर पेरेंट्स, पॉजिटिव पीपल्स, एंड थिंग्स विल बी गुड। ठीक है, तो आई होप ये मेरी तरफ से आपको अच्छा लगा होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड टू लाइक द वीडियो। और कुछ सरप्राइजेस ला रहा हूं मैं, बट उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा चैनल के ऊपर, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट इट। फिलहाल के लिए टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला वेस्ता, मिलते हैं ऑलमोस्ट रोज, अब मैं मिलते रहूंगा आपको अलग अलग नई नई चीजों के साथ, नए नए सेशंस के साथ। एंड अगर आप लोग जेन्युइनली कॉस्टिंग एंड FM के यू नो क्विक बैचेस में इंटरेस्टेड है, देन डेफिनेटली यू कैन जॉइन दिस बैच ऑफ आवर्स, इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, इफ दे वांट आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो कीप स्माइलिंग, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला वेस्ता, टेक केयर, बाय बाय।